एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मोमोज की चटनी, बिल्कुल मार्केट जैसी, और इसको घर पे बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। तो मोमोज की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे लिया मैंने 15 से 20 लहसुन की कलियाँ, एक टुकड़ा अदरक का, और 15 से 20 लिया मैंने सूखी लाल मिर्चें, इनका मैंने डंठल हटा दिया है, और यहाँ पे लिया है मैंने 6 बड़े टमाटर। तो अगर आपको ज्यादा तीखी चटनी पसंद नहीं है तो आप इनके जो बीज हैं उनको निकाल सकते हैं, या इसकी मिर्च की क्वांटिटी भी आप थोड़ी सी कम कर सकते हैं। मैंने 15 से 20 ली है तो आप 12 डाल सकते हैं। तो मोमोज की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम किसी भी बर्तन में पानी गर्म करेंगे। पानी गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर डालेंगे अपनी ये सूखी लाल मिर्चें। अब डालेंगे इसके अंदर अपने टमाटर, इनको हम 5 मिनट बॉईल करेंगे, जब तक कि टमाटर से जो स्किन है वो अलग ना हो जाए, ये जो टमाटर का ऊपर का कवर होता है ये अलग ना हो जाए। जब तक हमारे टमाटर बॉईल होते हैं हम अदरक लहसुन को चॉप कर लेते हैं बारीक बारीक, आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। तो अदरक लहसुन को मैंने बारीक चॉप कर लिया है, देखिए बारीक काट लिया है, और इसको मैंने वेजिटेबल चॉपर में चॉप किया है। देखिए टमाटर बॉईल हो चुके हैं और जो टमाटर की स्किन है वो भी देखिए वो ये अलग हटने लगी है। तो अब हम अपनी फ्लेम को बंद कर देंगे और टमाटर हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए टमाटर और मिर्चें हमारी बॉईल हो चुकी हैं और इसकी ये स्किन अलग होने लगी थी, तो मैंने इनको पानी में से निकाल लिया है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो टमाटर की स्किन है इसको हटा देंगे थोड़ा ठंडा होने के बाद, जब हमारे टमाटर थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो सारे टमाटर की हम ये स्किन निकाल देंगे। तो देखिए टमाटरों का जो छिलका है वो मैंने अलग कर दिया है टमाटर से, यानी टमाटर की जो स्किन है उसको निकाल दिया है, निकाल के अलग कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे कि अपनी ये जो मिर्चें और टमाटर हम इनका एक पेस्ट बनाएंगे, तो हम इनको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। हमारा टमाटर और लाल मिर्च का पेस्ट तैयार हो गया है, तो चलिए अब चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ ऑयल, तो थोड़ा सा हम ऑयल लेंगे, और मैंने अपनी फ्लेम को ऑन कर दिया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया है, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये अपना बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन, तो अदरक लहसुन को थोड़ा कम ही भूनेंगे हम, जिससे कि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, थोड़ा इसका जो कच्चा फ्लेवर है वो खत्म हो जाए। बस इसको इतना ही भूनना है, केवल 1 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे। अदरक लहसुन हमारा भून चुका है और इससे ज्यादा हमें नहीं भूनना है इसको। अब मैं इसके अंदर डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च, और इस समय हमें अपनी फ्लेम को बिल्कुल मंदा कर देना है और मीडियम फ्लेम पे ही हमें अदरक लहसुन को भूनना है। तो कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाली है कलर के लिए, जिससे कि हमारी जो चटनी है उसमें एक अच्छा कलर आ जाए। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी अपना टमाटर और लाल मिर्च का ये पेस्ट जो हमने तैयार किया था। अब इसको हम थोड़ा चला देंगे। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 चम्मच ये अजीनोमोटो। अगर आपको मार्केट जैसी मोमोज की चटनी चाहिए तो आपको ये अजीनोमोटो डालना पड़ेगा, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आधी चम्मच मैं इसमें डालूंगी नमक, नमक आप स्वाद के अनुसार ही डालें। मिक्स कर देंगे इनको हम अच्छे तरीके से। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 चम्मच सोया सॉस, इसको भी मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 चम्मच विनेगर, तो इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और अपनी मोमोज की चटनी को हम
कम से कम 5 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी चटनी थोड़ी पतली है और आप उसे गाढ़ा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच पानी और हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो अब ये जो कॉर्नफ्लावर का पानी है हम इसको लास्ट में डालेंगे। चटनी देखिए उबल चुकी है और 5 मिनट हो चुके हैं, और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये अपना कॉर्नफ्लावर का पानी। इससे जो हमारी चटनी है उसका जो टेक्सचर है बिल्कुल मार्केट की तरह हो जाएगा, जैसे कि मार्केट में एकदम गाढ़ी चटनी मिलती है। बस हम इसको थोड़ी देर और बॉईल करेंगे, थोड़ी देर के लिए, केवल 1 मिनट के लिए हम इसको बॉईल करेंगे और हमारी चटनी बनके तैयार हो जाएगी। चटनी बन चुकी है और ठंडी होने के बाद हम इसे सर्व करेंगे। अब हम अपनी फ्लेम को बंद कर देंगे। तो देखिए कितना आसान है मोमोज की चटनी बनाना। तो घर पर आप बिल्कुल बहुत ही आसानी से मार्केट जैसी मोमोज की चटनी बनाकर खा सकते हैं। इसे आप चपाती के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, और इसे आप कंटेनर में रख के, किसी भी कंटेनर में रख के 3-4 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी मोमोज की चटनी की रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।